नमस्कार, थिंक 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेंद्र किलानौत। सियासत के लिहाज से राजस्थान में कल का दिन बेहद खास रहा, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की विदाई हुई और सीपी जोशी को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कल के अगर ट्विटर ट्रेंड पर नजर डालें तो उसकी एक व्यापक प्रतिक्रिया हुई, व्यापक नगर में कहूंगा कि एक तीव्र प्रतिक्रिया हुई, और लगातार सतीश पूनिया हैशटैग पूनिया में क्या बुराई है के हैशटैग के साथ में लगातार ट्रेंड करते रहे। इसके साथ में ही जाट समाज का एक बहुत बड़ा आरोप कल चर्चाओं में रहा कि चुनावों को नज़दीक देखते ही सतीश पूनिया की विदाई कर दी गई है। बहुत से ऐसे मीम्स बने, बहुत सी ऐसी पोस्ट आई कि किसान के बेटे को, क्योंकि सतीश पूनिया जाट समाज से आते हैं और किसान के बेटे हैं, अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं, इसलिए उनकी विदाई कर दी गई है। इस पूरे मुद्दे पर, चूंकि चुनावी साल है और हर जाति, हर पार्टी चुनावी साल में हर जाति को साधने की कोशिश करती है, चूंकि जाट समाज राजस्थान का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, और इसी के बीच में चर्चा है कि सतीश पूनिया की विदाई के साथ में जाट समाज में एक बड़ी नाराजगी है और जाट समाज की तीव्र प्रतिक्रिया भी हुई है। तो क्या वाकई में जाट समाज की जो नाराजगी है वो आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी करने वाली है? इस पर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप विधावत से जानेंगे कि आखिर राजस्थान की सियासत में किस करवट राजस्थान की सियासत बैठ रही है। प्रदीप जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कल जिस तरह की व्यापक प्रतिक्रिया हुई सतीश पूनिया की विदाई के साथ में, मीम्स का बाजार पूरी तरह से गर्म रहा, जाट समाज के बड़े नेताओं ने भी इस पर पोस्ट किया है, चूँकि सतीश पूनिया किसान के बेटे हैं, और इस आरोप के साथ में कि किसान के बेटे को भारतीय जनता पार्टी कभी भी आगे नहीं करती। और देखिए, ऐसा पहली बार हुआ राजस्थान की पॉलिटिक्स में, राजस्थान बीजेपी की पॉलिटिक्स में, कि किसी जाट को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया। बीजेपी की ओर से ब्राह्मण बहुतायत में प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं, राजपूत रहे हैं जी। तो दूसरा एक ट्रेंड मैं कल भी आपको बता चुका कि राजस्थान में हर चुनावी साल में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बदलती हैं। 2003 में उन्होंने वसुंधरा राजे को बनाया, कैंपेन उनके नेतृत्व में हुआ, फिर पार्टी सरकार में आई, फिर 2008 में ओम माथुर को बनाया, पार्टी सत्ता नहीं प्राप्त कर सकी। 2013 में फिर वसुंधरा राजे बनती हैं, फिर सरकार मिलती है। 2018 में फिर प्रदेश अध्यक्ष बदलते हैं, लंबा एक वैक्यूम रहता है, अप्रैल में इस्तीफा होता है, जून तक तय नहीं कर पाते कौन प्रदेशाध्यक्ष होगा। मदन लाल सैनी बाद में प्रदेशाध्यक्ष बनाए गए और पार्टी एक बार फिर से सत्ता से चूक गई। नहीं, सवाल ये है प्रदीप जी कि जब जेपी नड्डा का एक्सटेंशन बढ़ाया था तो ये खबर राजस्थान में बहुत प्रमुखता से चली कि सतीश पूनिया को भी एक्सटेंशन मिल चुका है, और ये सब चल रहा था कि चुनाव तक सतीश पूनिया ही प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। देखिए, प्रतिपक्ष में जिस तरह से भूमिका होनी चाहिए जी, वो भूमिका बीजेपी ने सदन में तो निभाने में कोई कसर नहीं रखी। हालांकि सदन में सतीश पूनिया अन्य नेताओं की बजाय कमजोर रहे। सतीश पूनिया की जो विदाई हुई है, जिस तरीके से हुई है, अब चर्चा चल रही है कि जैसे कल से प्रतिक्रियाएं देख रही हैं तो पूनिया में क्या बुराई है। हाँ, तो हमारे जो दिल्ली के जो साथी हैं, जो मित्र हैं, जो सोर्सेज हैं, उनसे बात हुई कि सतीश पूनिया को प्रतिपक्ष का नेता बनाया जा सकता है जी। तो ये बेहतर होता कि पहले ही सतीश पूनिया को प्रतिपक्ष का नेता बना देते और फिर उनसे ये कह दिया जाता कि आप चूंकि दो पद जो पार्टी का एक सिद्धांत है वो नहीं रह सकते, तो बड़ी सम्मानजनक एक विदाई होती जी, जी। तो जाट समाज इससे आहत है, क्योंकि पूरे राजस्थान में अगर कोई सर्वाधिक प्रतिक्रिया देने वाला कोई समाज है, तीव्र प्रतिक्रिया होती, तीव्र प्रतिक्रिया और रिजल्ट में बताता है, वो वोटिंग में बताता है वो समाज निश्चित तौर पर जी। पिछली बार ये प्रतिक्रिया राजपूतों ने दिखाई थी, मोदी तुझसे बैर नहीं वसुंधरा तेरी, कमल का फूल हमारी, इस तरह का कुछ दो नारे बड़े चले थे। लेकिन यह प्रतिक्रिया जाट समाज हर बार दिखाता है जी। और सतीश पूनिया को इस तरह से हटाए जाने की प्रतिक्रिया, खास करके जो उनके ग्रुप के लोग हैं उनमें यह रहा है। सतीश पूनिया चूंकि एक शांत, सरल, सौम्य छवि के नेता भी माने जाते जी, हैं, ऐसे में जो न्यूट्रल लोग हैं उनके मन में भी थोड़ा सा ये हुआ है। अब प्रतिपक्ष नेता बनाए जाते हैं जी। तो मुश्किल से मुश्किल 5 या 7 दिन विधानसभा और चलेगी मानसून सत्र में, ठीक है। तो जैसे कुछ बिलों पे चर्चा होगी, उसमें अनुदान मांगे, डेवलपमेंट और उसमें कुछ नहीं, जो बिजनेस आएगा जी वो बिल्कुल फिट फॉर्मेट में होता है बिजनेस जी। अब प्रतिपक्ष के तौर पर लड़ाई सड़क पर है, और वो सड़क की लड़ाई की कमान सीपी जोशी को दी गई। ठीक बात है। आपको एक और अपडेट मैं दे दूं कि एक और नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए चला था जी, मूलतः जाट समाज से आते हैं जी, सीकर के सांसद हैं सुमेधानंद सरस्वती, उनसे भी आलाकमान की मीटिंग हुई है। सुमेधानंद सरस्वती कुछ चीजों मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, सुबेदानंद सरस्वती पर
पिछले कुछ टाइम से जरूर मीडिया की नजरें गई हैं भीतर खाने से जी, जी. कि शायद कोई बड़ा वैक्यूम उनके जी, लिए वो जैसा एक सौम्य और सरल व्यक्तित्व है, दूसरे संत हैं, हिंदू संप्रदाय से हैं और उनका एक सम्मान है और उनका एक अच्छा सा एक वातावरण बन रहा था। जैसा नागौर की एक सभा में एक नेता ने कहा भी कि मुझे सपने में दिखा कि सुमेधानंद सरस्वती सीएम बन रहे हैं, तो सीएम की जो रेस है उसमें सीपी जोशी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अभी एक नंबर पे ओम बिड़ला है, ठीक है, दूसरे पे भूपेंद्र सिंह यादव है जी, और फिर नंबर सुमेधानंद सरस्वती का भी आ रहा है कि जाट समाज को साध लिया जाए जी। लेकिन जाट समाज अगर तय कर ले ठीक कि क्योंकि मूलतः वोट बैंक जाट समाज कांग्रेस का रहा है, लेकिन मूलतः वोट बैंक को आप ऐसे समझें कि अगर दोनों ही पार्टियां एक जाति के व्यक्ति को टिकट देती हैं, दो राजपूत आमने सामने लड़ रहे हों तो राजपूत बीजेपी के राजपूत को वोट देंगे, दो ब्राह्मण आमने सामने लड़ रहे हों तो ब्राह्मण बीजेपी के ब्राह्मण को जिताते हैं, ये फैक्ट है जी। लेकिन जाट समाज के साथ अब तक का जो अपन देखें तो मोस्टली आपको मैं उदाहरण दूं 1999 के लोकसभा चुनाव का, ठीक है, जब वाजपेयी ने जाट समाज को सबसे बड़ा तोहफा दिया सीकर की रैली में, सरकार चली गई भैरव सिंह की यहाँ पे, उसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए जो रैली हुई उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जाट आरक्षण दिया जी। और जाट समाज ने वहीं एक टर्न दिखाया कि उन्हें आरक्षण मिल चुका है, लेकिन आजादी के बाद भाजपा का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक तो ये जो जाति है प्रतिक्रिया के आधार पे और बिल्कुल अपने सिद्धांतों और जो इनके तय मानक है उनके अनुसार काम करती है निश्चित तौर पर, और बहुत बड़ा वोट बैंक है इसमें कोई दो राय नहीं है। और कुंभारा मारे जो इनके बड़े नेता हुआ करते थे उनका एक नारा था कि जाट की बेटी जाट को और जाट का वोट जाट को, उस नारे से आगे निकलने की कोशिश बीजेपी कर रही है कि हमारी और सीधे तौर पर हमारी आइडियोलॉजी से जुड़े, तो जाट समाज आज तक किसी और आइडियोलॉजी से नहीं जुड़ा है, उसकी एक अपना स्वैग है, अपनी स्टाइल है, अपना अंदाज है जी। उस अंदाज को आप साफ तौर पर हनुमान बेनीवाल में देख सकते हैं जी। तो सतीश पूनिया की जो विदाई हुई है उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर, कल मैंने बताया था कि गुलाबचंद कटारिया वाला जो मेवाड़ में एक क्षत्रप तैयार करना था वो एक फैक्टर है जी। लेकिन एक और बड़ा फैक्टर हनुमान बेनीवाल है, जैसा मेरी और शिवपाल जी की लगातार चर्चा होती रही कि हनुमान बेनीवाल भीड़ भी खींचते हैं और ध्यान भी, वोट भी खींचते हैं। तो ये दोनों चीजें जो है बहुत बड़े मायने रखती हैं आजकल के दौर में, वो ट्रेंडिंग में आते हैं हनुमान बेनीवाल के एक एक बयान चाहे, और वो युवाओं के खास हैं तो उन्होंने जैसा आप कह रहे हो वोट भी खींचते, तो उपचुनाव में उन्होंने दिखाया भी है जी, जी। लास्ट जो उपचुनाव था वो सतीश पूनिया के गृह जिले चूरू में था, सरदार साहब, और बीजेपी को बड़े पसीने आए वहां पे मतलब, और सतीश पूनिया की जो प्रतिक्रिया थी जी। जो अंदाज था उसने, जो कैंडिडेट थे बीजेपी के अशोक पीचा, उनका मॉरल भी डाउन किया और वो हारे जी। लेकिन ऐसा लोग कह रहे हैं कि वोट डलने से पहले, जैसे धोनी वाली फिल्म में उदाहरण है ना कि हम बास्केटबॉल के कोर्ट पे क्रिकेट का मैच हार गए जी, जी। तो उनका ये कहना है कि हम उस बयान से ही हार गए थे, काउंटिंग और वोटिंग तो बाद प्रदेश अध्यक्ष नहीं इस तरह का जी, मतलब उनका थोड़ा सा एक कार्यकर्ताओं का मॉरल, और आरएलपी ने वहां पर, तो आरएलपी कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की ओर न चली जाए बीजेपी की यह बहुत बड़ी चिंता है। तो सीपी जोशी की जो पहली कोशिश है वो हनुमान बेनीवाल को साधने की है जी। कि हनुमान बेनीवाल को अगर आरएलपी को जी। वो इंडिविजुअल ही रख लें जी, कांग्रेस की ओर नहीं जाने दे तो भी बीजेपी एक बड़ा प्रदर्शन कर सकती है जी। लेकिन अगर हनुमान बेनीवाल इसमें, जिस तरह से उन्होंने 8 लोकसभा सीटों पर प्रभाव डाला पिछले लोकसभा चुनाव में, 1 लोकसभा सीट उन्होंने ली, बाद में किसान आंदोलन के मुद्दे पर वो अलग हो गए जी। और हनुमान बेनीवाल का कद कम करने की कोशिश सभी ने कर ली, इवन जाट महासभा जिसके राजाराम मील है उन्होंने खुले बयान दिए, और लेकिन हनुमान बेनीवाल कहीं पीछे नहीं हट रहे। तो सीपी जोशी को बनाए जाने से कई सारे फैक्टर एक साथ देख रहे हैं, ओम बिड़ला के खास हैं सीपी जोशी आज के टाइम में। सीपी जोशी जिन्होंने कॉलेज उपाध्यक्ष का चुनाव उस समय कांग्रेस एनएसयूआई से लड़ा था और बाद में वो भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस की विचारधारा से जुड़े, और ऐसा बताया जाता है कि तत्कालीन महासचिव प्रकाश चंद्र गुप्ता और वसुंधरा राजे के बीच जो अदावत आई वो सीपी जोशी के चित्तौड़गढ़ टिकट को लेके आई थी। वसुंधरा राजे जिन्होंने उन्हें युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी बनाया था, उनके दौर में बने थे, और यह था कि चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी को टिकट दिया जाए, इसको लेके संघ और वसुंधरा राजे के बीच कुछ दूरियां हुई। प्रकाश चंद गुप्ता उस समय उन दूरियों में कुछ कारक माने जाते हैं राजनीतिक विश्लेषकों के बीच जब चर्चा होती है, तो
लेकिन अब सीपी जोशी जो है वो प्रथमतः खास ओम बिरला के बताए जाते हैं और ओम बिरला का कद बड़ा हुआ है निश्चित तौर पर। वसुंधरा राजे से एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि सतीश पुनिया जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो वसुंधरा राजे से उनकी जो अदावत थी वो चरम पर पहुंच गई और खुली अदावत एक तरह से। सीपी जोशी का जो फैसला है, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को भी बैलेंस करने की कोशिश है कि एक ऐसा चेहरा, आपने कहा कि ओम बिरला के वो खास माने जाते हैं, मैं थोड़ा सा अदावत जो है ना सर, अदावत सतीश पुनिया की सिर्फ वसुंधरा जी से ही नहीं, राजेंद्र राठौड़ जी से भी रही, इवन जो बाबा हैं किरोड़ी मीणा जी, उनसे भी खुला किरोड़ी मीणा ने उनका जो प्रोटेस्ट था उसमें सपोर्ट नहीं करने का और लेगा, तमाम बड़े नेताओं की प्रदेश कार्यालय में वार्ताएं हुई है, प्रेस वार्ताएं हुई, लेकिन किरोड़ी मीणा इंडिविजुअल लीडर के तौर पे उनकी धाक में कोई कमी नहीं है, है ना, लेकिन बीजेपी लीडर के तौर पर चाहे उन्होंने कोई भी मुद्दा उठाया, पेपर लीक का मुद्दा उठाया तो बीजेपी इंडिविजुअल प्रदर्शन करती रही है, उसमें किरोड़ी लाल मीणा को साथ नहीं ले रहे, किरोड़ी लाल मीणा प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको, और बीजेपी उसमें नंबर टू पे रही है। जो बीजेपी के जो दूसरे विधायक थे, चाहे प्रवक्ता रहे हों, जो जनता के बीच में रहते हैं, किरोड़ीलाल मीणा का सवाल उनके लिए एक बहुत कहते हैं कि जवाब ना देने वाला सवाल था। मैंने भी बीजेपी के बहुत से नेताओं से ऐसा पूछा कि किरोड़ीलाल मीणा एकला चलो की नीति पर आखिर क्यों चल रहे हैं, क्या भाजपा संगठन उनके साथ नहीं है, वो कोई भी आंदोलन कर रहे हैं अकेले कर रहे हैं, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी होती है तो वो भाजपा कार्यालय में ना जाकर पिंक सिटी प्रेस क्लब में आते हैं, तो ये एक बड़ा सवाल है। किरोड़ीलाल मीणा अपने आप में एक बहुत बड़े लीडर हैं, जन लीडर हैं, वो एक समय में भारतीय जनता पार्टी में खाद्य आपूर्ति मंत्री थे, पार्टी से निकाले गए, बाद में उन्होंने पीए संगमा की पार्टी से चुनाव लड़ा और पार्टी को दिखाया जी। बाद में गोलमा देवी जो हैं वो खादी मंत्री रही थी अशोक गहलोत की सरकार 2008 में जी। तो उनकी जो फैन फॉलोइंग है उसमें कोई कमी नहीं है और जूझने की जो ताकत है उसमें भी कहीं कोई कमी नहीं है, राजनीति भी वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जिस तरह से अभी उन्होंने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी गिरफ्तारी से खींचा, शहीद वाला आंदोलन एक मुद्दा बना के उन्होंने छोड़ दिया, वो एक अलग बात, मुद्दे में परिणाम क्या आता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, एक नेता का आपके लिए खड़ा सबसे बड़ी बात कि उन्होंने अपने आंदोलन से पूरी भाजपा को उसमें इन्वॉल्व कर लिया, ये एक सबसे बड़ी बात थी, उनसे पहले उनके जो आंदोलन, उन्होंने भाजपा को मजबूर कर दिया मजबूर करने के लिए जी। ठीक है, तो ये सारी चीजें सतीश पुनिया से नाराजगी न केवल वसुंधरा राजे की थी, जो दूसरे नेता हैं जैसे कि राजेंद्र राठौड़ हैं या सीएम की दौड़ में और भी नेता हैं, उनको लगता है कि सतीश पुनिया उनसे जूनियर हैं, अर्जुन मेघवाल से उनके अर्जुन मेघवाल और वो चूंकि केंद्र में साथ रहे हैं, हाँ करीबी हैं, तो इस लिहाज से अर्जुन मेघवाल भी कोशिश कर रहे हैं कि एससी का अगर किसी को बनाया जाए मुख्यमंत्री का, कहीं बीजेपी की पॉलिटिक्स में अगर ये सेट होता है जी। तो अब बात आती है कि सतीश पुनिया को प्रदेश में उपनेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया जाए, तो उपनेता प्रतिपक्ष जो है वो निश्चित तौर पर सरकार का एक हिस्सा होता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, उसको साधन सुविधाएं मिलती हैं, तो ये सम्मानजनक विदाई तब कही जाती जब पहले बनाया जाता जी। तो पुनिया जी बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं जी। और सीपी जोशी का भी जबरदस्त स्वागत हुआ है, 50,000 से कम कल ट्विटर फॉलोवर थे, आज 70,000 के आसपास पहुंच गए हैं, बड़ी बात है। तो लोग लगातार उनसे जुड़ रहे हैं, पुनिया जी के फॉलोअर्स में कहीं कोई नहीं, पुनिया जी यथावत हैं, उनके 200-250 फॉलोवर पर डे बढ़ते थे औसत तौर पे, वो अभी कायम है और उनका निजी उनका जो अंदाज है, उनके स्टाइल है, वो कायम है, लेकिन हवा का रुख अब जो है ना, सीपी जोशी की टीम कैसी बनती है ये बड़ी बात, वो किन किन को लेते हैं जी। क्योंकि सतीश पुनिया की जो टीम है जी, उसमें अभी चूंकि राजपूत समाज बहुत बड़ा वोट बैंक माना जाता है, ठीक बात है, तो वहां से दिया कुमारी को उपाध्यक्ष के तौर या उसमें शामिल है प्रदेश कार्यकारिणी में, नारायण सिंह देवल उपाध्यक्ष हैं, ठीक है, जो कि रानीवाड़ा के इलाके से आते हैं और एक श्रवण सिंह बगड़ी प्रदेश मंत्री हैं, तो इस समाज का कोई बड़ा प्रतिनिधित्व बीजेपी संगठन में नहीं, संगठन में नहीं है, ठीक बात, ठीक है, इसी तरह से ब्राह्मणों की अपनी शिकायतें हैं, हालांकि जो संगठन महामंत्री हैं प्रदेश के जो आरएसएस से आते हैं चंद्रशेखर, वो ब्राह्मणों की फुलफिलनेस कर रहे हैं, राजपूतों को यह कह के राजी किया जाता है कि अरुण सिंह जो कि प्रदेश प्रभारी हैं वो राजपूत हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो अपना हिस्सा अरुण सिंह में महसूस नहीं कर पा रहे हैं, वो उन तक पहुंच नहीं है उनकी जी। तो एक छटपटाहट एक अकुलाहट सारे ही समाजों में, आपको नहीं लगता कि देवी सिंह भाटी की भाजपा में वापसी को लेकर राजपूत समाज में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है? देवी सिंह भाटी बेसिकली बीजेपी लीडर नहीं है जी।
वो सोशलिस्ट रहे हैं, चंद्रशेखर के चेले हैं जो नहीं, लेकिन उनकी वापसी को लेकर एक बड़ी बहस है। आ सकते हैं, देवी सिंह भाटी पहले भी बाहर गए हैं, वापस तो एक और सवाल है कि सीपी जोशी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से जो भाजपा के बागी हैं उनकी वापसी की राह कितनी? बिल्कुल निश्चित तौर पे बागियों की वापसी हर चुनावी वर्ष में होती है। जब वो चुनाव लड़ता है तो उसे 6 साल के लिए हटाया जाता है। आप ये देखिए कि संयम लोढ़ा ने कांग्रेस के खिलाफ जाके चुनाव लड़ा, हालांकि वो उनकी एक डिजाइन थी सिरोही में, जिस तरह से वो चुनाव जीते उस पे हम फिर कभी मुख्यमंत्री के लगातार खास बने रहे। वो अभी सलाहकार हैं मुख्यमंत्री के, अधिकृत सलाहकार हैं, और उससे पार्टी के लोग कहीं ना कहीं। आज एक दो बड़ी खबरें मैं आपको बता दूं, एक तो आज मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कांग्रेस के सभी जो सीएलपी लीडर्स हैं प्रदेशों में उनकी और जो प्रदेशाध्यक्ष हैं उनके साथ मीटिंग है, तो क्या आगे कांग्रेस आउटकम करने वाली है उस पे भी एक, और एक जो मुख्यमंत्री के जो ओएसडी हैं लोकेश शर्मा उनको लेके भी एक सुनवाई है। उसके अलावा मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है जो गजेंद्र सिंह शेखावत की मदर और संजीवनी वाला मामला, उसमें भी कोर्ट आज तय करेगा कि सीएम पर मानहानि का मामला चलेगा या नहीं। जी, मैं फिर से मुद्दे पर आता हूँ, सतीश पूनिया की विदाई पर कुल मिलाकर और जाट समाज की प्रतिक्रिया चुनाव में, आप बहुत नजदीक चुनाव है, क्या ये नाराजगी बनी रहेगी या भाजपा उस नाराजगी को दूर करने के लिए कोई एक बड़ा मौका जाट समाज? देखिए अभी तक ये नाराजगी सिर्फ ट्विटर फेसबुक पे जी, फील्ड पे कहीं नजर नहीं आई है। तो जाट वर्ग, जाट युवा वर्ग निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि हनुमान बेनीवाल के साथ हैं। ठीक है, हनुमान बेनीवाल ने जब पार्टी छोड़ी थी जी, तब आप प्रतिक्रिया देखिए, पार्टी मतलब एनडीए छोड़ा था जब जी, तब आप प्रतिक्रिया देखिए उस वर्ग की जी। और जो लोग ट्रेंड चला रहे हैं, तो ट्रेंड में तो क्या है कि कोई मुद्दा ट्रेंड कर रहा है तो लोग वैसे अपने एडवर्टाइजमेंट डाल के भी ट्रेंड करा देते हैं उसमें, तो ट्विटर ट्रेंड और फेसबुक से राजनीति तय नहीं होती, हवा का रुख एक देखा जाता है लेकिन उस पर रिजल्ट नहीं देखा जाता। तो फील्ड पर अभी भी, और सतीश पूनिया एक पार्टी के समर्पित सिपाही रहे, उन्होंने कहा भी है कि मैं लगातार पार्टी के लिए जुड़ा रहूंगा, तो उनकी विदाई सम्मानजनक तरीके से ज्यादा तब होती जब उन्हें पहले प्रतिपक्ष नेता बनाया जाता। अब उन्हें प्रतिपक्ष नेता बनाए जाने की चर्चा है, उन्हें कैंपेन कमेटी का बनाया जाएगा या नहीं इस पर थोड़ा सा, क्योंकि कैंपेन कमेटी में अगर वो सुमेधानंद सरस्वती को रखते हैं तो सुमेधानंद सरस्वती मूलतः जन्म से जाट समाज से आते हैं, उसके अलावा वो एक सनातनी साधु हैं, तो दूसरे वर्गों में एक बड़ा मैसेज। दूसरा, राजस्थान जो है वो आस्थाओं वाला प्रदेश है, तो उसमें फिर किसी भी जाति का व्यक्ति उनका विरोध नहीं करेगा। तो ये एक सोशल मीडिया के जो समीकरण बिगड़े हैं, इनसे राजनीतिक आधार तो तय नहीं होते। सोशल मीडिया के लिए एक बड़ी लाइन कही जाती है, सोशल मीडिया आपको चुनाव नहीं जिता सकता, ठीक बात है, लेकिन आपको चुनाव जीतते हुए दिखा सकता है, और फिर हवा उस जीतते हुए दिखने के साथ बहती है और आप एक बड़ा परिवर्तन करने में कामयाब हो जाते हैं। लबोलुआब यह है कि सीपी जोशी अब मुखिया रहेंगे, सीपी जोशी के नेतृत्व में चलेंगे। सीपी जोशी को दो लोगों को साधना है सीधे तौर पे, पहले नंबर पर वसुंधरा राजे हैं जिनसे उनके पुराने संबंध रहे हैं, दूसरे नंबर पर हनुमान बेनीवाल हैं। आम आदमी पार्टी ने भी अपने 8 प्रभारी राजस्थान के लिए नियुक्त किए हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया है, और आपको याद होगा कुछ दिन पहले ओवैसी भी हुंकार भर के गए हैं, अमीन खान और ओवैसी की कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान का एंगल भी आ चुका है, तो पिक्चर जमने लगी है अब चुनाव की, देखते हैं क्या होता है। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप विधवत, जिन्होंने इस मुद्दे का बहुत ही गहनता के साथ में विश्लेषण किया। राजस्थान से जुड़ी तमाम अपडेट जानने के लिए देखते रहिए थिंक 360।